हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेजर डिसेक्शन ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल का मेजर डिसेक्शन करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एनिमल की जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को डिक्रीज होते देखकर एनिमल का डिसेक्शन करना बैन कर दिया। ठीक है, जो स्कूल कॉलेजेस पे जितने भी स्टूडेंट्स को एनिमल का डिसेक्शन करके दिखाया जाता था उस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। तो अब स्टूडेंट्स को अब कैसे बताया जाए कि किस एनिमल के अंदर कैसी एनाटॉमी पाई जाती है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि क्ले में मॉडल बनाया जाए। ठीक है, क्या करेंगे, क्ले में मॉडल बनाएंगे। तो हमारे पास आज मेजर डिसेक्शन है अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल, इसका हम क्ले मॉडल बनाएंगे। ठीक है, क्ले मॉडल बनाने से पहले देख लेते हैं कि यहां पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या क्या चीजें हैं, कौन से खंड पे क्या पाई जाती है, थोड़ा डायग्राम को बनाए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थवर्म है, केचुआ है, ये उसका माउथ है। सबसे ऊपर में क्या है, ये एक एंड पे माउथ है, दूसरे एंड पे एनस। ठीक है, ये एनस, चूंकि जो केचुए का शरीर होता है, केचुआ इनवर्टिब्रेट्स है, ये एनेलिडा फाइलम में आता है। इसका जो शरीर है ये ट्यूब की भांति होता है, ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, मतलब अगर बाहर एक ट्यूब है तो उसके अंदर फिर एक ट्यूब होता है, और वो अंदर का जो ट्यूब होता है वही होता है उसका आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जिस प्रकार से पेन में, पेन के ऊपर चारों तरफ पेन की कवर होती है, उसके अंदर जो रिफिल होता है, ठीक है, वो जिस प्रकार से डबल ट्यूब हो गया, सेम ऐसे किसी केचुए का बॉडी भी होता है। यदि ये केचुए का शरीर है तो हम उसके डार्सल पार्ट पर, ठीक है, डार्सल पार्ट पर कैंची लगा करके उसको काट देते हैं, केवल ऊपर के ट्यूब काटते हैं, उसको फैला देते हैं। जब फैला देते हैं डायग्राम ऐसे दिखाई देता है, जब हम उस एनिमल का डिसेक्शन करते तो ऐसे दिखता, क्योंकि हमको उसको नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एनिमल की डाइवर्सिटी धीरे धीरे बदलते इन्वायरमेंट के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अगर हम इसको पुनः स्कूल कॉलेजेस में इस्तेमाल करें, एनिमल को मारें, तो ऑलरेडी वो तो डिक्रीज हो रहे हैं, और पुनः हम मार रहे हैं उनको तो और भी डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए बचाने के लिए उसको क्या कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम इसको ऊपर की ट्यूब को काट देंगे, जब फैला देंगे, ऐसे खोल देंगे उसकी ऊपरी ट्यूब को, तो हमको इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अंदर की एक ट्यूब दिखाई देगी, इसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि केचुए का शरीर जो होता है बहुत सारे खंड से मिलकर बना होता है। फाइलम क्या है इसका, एनेलिडा, एनल मतलब होता है रिंग, इसके शरीर रिंग की भांति पाए जाते हैं, छल्ले छल्ले पाए जाते हैं बॉडी में, छल्ले नुमा रचना होता है, देख सकते हैं आप। तो ये जो बाहर से जितना खंड दिखाई देता है ना, अंदर से भी उतना ही खंड होता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म सेगमेंटेड बॉडी। क्या बोलते हैं उसको, मेटामेरिज्म सेगमेंटेड बॉडी। ये अंदर जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये सब पट्टे हैं, सेप्टम, पर्दा पर्दा की तरह है, सेप्टम है, इतना सारे सेप्टम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें केचुए का शरीर कितने खंड से मिलकर बना होता है, लगभग 150 खंड पाए जाते हैं उसमें, 150 अराउंड 150। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले खंड पे क्या होता है, उसका माउथ, उसका मुंह कौन से खंड पे होता है, फर्स्ट सेगमेंट पे माउथ पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, बगल चैम्बर कौन से सेगमेंट पे होता है, सेकंड सेगमेंट पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा और चौथा सेगमेंट पे क्या होता है, फेरिंग्स, अब देख सकते हैं डायग्राम में फेरिंग्स। इसके बाद पांचवां से सातवां तक क्या पाई जाती है, ओएसोफेगस। आठवें नंबर पे क्या पाई जाती है, गिजार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, भोजन को पीसने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं आठ के बाद 9 से 14 नंबर तक, 9 to 14 स्टमक पाई जाती है। अब देख सकते हैं ये 9 to 14 हो गया, देख सकते हैं ये 14, ये क्या है, स्टमक। उसके बाद ट्यूब थोड़ा सा मोटी हो जाती है, और ये 15 नंबर सेगमेंट से बॉडी के उस लास्ट सेगमेंट तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, टिफ्लोसोल। क्या बोलते हैं उसको हम, टिफ्लोसोल। लेकिन इस टिफ्लोसोल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 15 से लेकर के 26 नंबर तक देख रहे हैं आपको, देखिए 15 से लेकर के कहां तक, 26वां नंबर तक क्या कहलाती है, ये प्री टिफ्लोसोल। ठीक है, फिर 26 के बाद आगे की ओर, 26 के बाद आगे की ओर बस लास्ट के 25 सेगमेंट को छोड़ दीजिए,
तो 26 के बाद आगे की ओर लास्ट 25 सेगमेंट को छोड़ने के बाद जो बीच में जो बचा वो कहलाता है टिफ्लोसोल, और आखिरी के जो 25 सेगमेंट हैं वो कहलाते हैं पोस्ट टिफ्लोसोल। समझ आया? लास्ट 25 सेगमेंट क्या कहलाते हैं? पोस्ट टिफ्लोसोल। अब ये तो हो गया पूरा एक ट्यूब सेगमेंट, सही तो हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 26, 25 और 24 पीछे से दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल सिकी या इंटेस्टाइनल सिकम, ठीक है। ये एक प्रकार का इंटेस्टाइन ही है, तो इसमें जो सिकम पाया जा रहा है इसका काम क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल जूस निकालता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 26, 25 और 24, ये ऐसा नहीं कि 24, 25, 26 में पाई जाती है, नहीं, ये 26, 25 और 24, क्योंकि 26 से इसका ओरिजिन हुआ है और आगे की ओर बढ़ा हुआ है, ठीक है। संख्या में कितना होते हैं? 1 पेयर, एक जोड़ी। ये ऊपर में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर में ये डार्सल ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ऊपर में ये क्या है? डार्सल ब्लड वेसल्स, सबसे डार्सल भाग पर। और अगल बगल में जो आपको नोड दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं लिम्फ नोड। क्या कहलाते हैं? लिम्फ नोड। समझ में आया? ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। हमको ऐसे ही डायग्राम बनाना है, किसमें? क्ले में, जिसको हम क्या बोलेंगे? अर्थवर्म के आहार नाल का क्ले मॉडल। ऐसा करने पर क्या होगा कि यदि हम एक केचुआ को काट करके जो बच्चों को दिखाते थे, अब हम क्ले मॉडल बना के बच्चों को दिखाएंगे, तो वो एनिमल अब मरेगा नहीं, मतलब उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्ले मॉडल एनिमल के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कि क्ले मॉडल में हमको बनाने में, तैयार करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको लगेगा थर्माकोल, ठीक है, जो मार्केट में मिल जाते हैं थर्माकोल। उस थर्माकोल को लेकर के हम लगभग A4 साइज पेपर के साइज में काट देना है, ठीक है। और थर्माकोल काटने के लिए क्या चाहिए? कटर चाहिए, ठीक है। कटर से इतना बड़ा लगभग A4 साइज का काट दिया, और हमको चाहिए A4 साइज का एक पेपर, वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे उसी को। हमको चाहिए 10 से 15 लंबी वाली सुई। क्या चाहिए? 10 से 15 लंबी वाली सुई। उसके बाद क्या चाहिए होगा हमको? उसके बाद चाहिए डिफरेंट प्रकार की क्ले, ठीक है। और क्या चाहिए हमको? चाकू भी चाहिए होगा, क्ले को काटना है, ठीक है। हम जैसे जैसे क्ले मॉडल आगे बनाते जाएंगे आप उसको देखते जाइएगा, मैं वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये मॉडल बनाने के लिए एक लकड़ी का बेलन चाहिए होगा, और साथ में ये सुई चाहिए होगा, कैंची दिखाई दे रहा है आपको, और ये नाइफ भी चाहिए, चाकू, और साथ में साथ ये क्ले भी चाहिए होगा जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले थर्माकोल को थर्माकोल कटर की सहायता से A4 साइज के पेपर के साइज में काट देना है। इसको बहुत सावधानी से करना है, हो सकता है थर्माकोल कटर से हाथ भी कट जाए, तो बड़े सावधानी से ध्यानपूर्वक इसको काटना है, ठीक है। मॉडल के बेस भाग को बनाने के लिए हमको डार्क कलर का, ग्रे या ब्लैक कलर का क्ले चाहिए होगा। इसको सावधानी से निकाल लेंगे और लकड़ी की बेलन से उसको बराबर फैलाते हुए चौड़ा कर देंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसका बॉडी का आउटर वाल है, और चाकू की सहायता से उसी शेप में काट लेंगे जिस शेप में उसका बाहरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा हमको हमारे डायग्राम में, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब इसे उस A4 साइज के पेपर के ऊपर में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके नीचे में क्या रखा हुआ है? थर्माकोल रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद उस क्ले को निकालेंगे जिसमें मल्टी कलर रखा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है डार्क कलर के बैकग्राउंड में लाइट कलर का क्ले उभर के सामने आता है, इसीलिए हमने पिंक कलर को माउथ, बगल चैम्बर, फेरिंग्स तथा ओएसोफेगस के भागों को बनाने के लिए चूज़ किया है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमने येलो कलर के क्ले को चूज़ किया है उसके स्टमक को बनाने के लिए, जो उसके 9वें नंबर से 14वें नंबर खंड तक एक पतली ट्यूब के रूप में फैला होता है। इसको हाथों की सहायता से बहुत पतला बनाना है, ठीक है। अब ऑरेंज कलर की सहायता से उसके सबसे मोटी ट्यूब को बनाना है, जिसको हम टिफ्लोसोल बोलते हैं या फिर इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब लाइट ग्रीन कलर की सहायता से उसके एक जोड़ी इंटेस्टाइनल सेकम को बनाना है। लगभग हाथों की सहायता से उसको ट्रायंगुलर बनाना है, ठीक है, और थोड़ा पतला कर देना है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके शरीर में सेप्टा को दिखाने के लिए लंबे सुई की सहायता से उसके बैकग्राउंड में प्रेस करेंगे, जिससे ये खांच दिखाई देगा, जिससे ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेप्टा लगा हुआ है। अब सभी ट्यूब को क्रम अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में उन सभी उभारों को बनाना है जो अलग से दिखाई देते हैं, जैसे बगल चैम्बर, फेरिंग्स और गिजार्ड, ठीक है। आप डायग्राम में, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बनाया था किसको, बगल चैम्बर को, फिर क्या बनाया, फेरिंग्स को। अब बनाएंगे किसको, ये येलो कलर से हमने बनाया गिजार्ड को, जो 8वें नंबर खंड पर पाया जाता है, ठीक है। अब हम इस लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करके बहुत पतली सी ट्यूब बनाएंगे और ये उसके आहार नाल के ऊपर में टिफ्लोसोल वाले भाग पर बहुत पतली सी ट्यूब लगाएंगे, जो किसको प्रदर्शित करेगा, ये उसके डार्सल ब्लड वेसल्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसी ब्लू कलर से बहुत छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस डार्सल ब्लड वेसल के अगल बगल चिपका देंगे, जो लिम्फ नोड को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देता है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत आकर्षित दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब इस इंटेस्टाइनल सिकी को, जो हमारे पास एक जोड़ी बनाया था हमने, उसको 26वें नंबर खंड पे लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये आगे की ओर, ऊपर की ओर 24वें नंबर खंड तक फैला हो, मतलब 26, 25 और 24वें इस तरीके से आगे की ओर फैला हुआ हो, जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, इसमें अब सिर्फ फ्लैग लेबलिंग करना बाकी रह गया है। फ्लैग लेबलिंग के लिए हम थोड़े टाइट, थोड़ा स्ट्रांग लाइट कलर का कोई पेपर लेंगे, उसके ऊपर में पेन की सहायता से जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम लिख लेंगे और कैंची की सहायता से पट्टी के रूप में काट देंगे, ठीक है। और उसके बाद उन सभी को सुई की सहायता से हम फ्लैग लगाएंगे, झंडे के रूप में लगा देंगे, ठीक है। फ्लैग लेबलिंग के लिए जो सुई का साइज होगा वो थोड़ा लंबा हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये दूर से भी दिखाई पड़ता है। इसको लगाते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब इसको पिंच कर रहे होते हैं ये उंगली में ना चुभे, अन्यथा ये ब्लीडिंग भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्लैग को किस ओर झुकाना है, लेफ्ट ओर की राइट ओर, उसके हिसाब से सुई को पट्टी में थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे ताकि उसको लगाते समय वो सीधा हो जाए, ठीक है। जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं टेढ़ा लगाया हूँ क्योंकि इसको मैं लेफ्ट साइड की ओर लगाऊंगा तो मेरे को सीधा नज़र आएगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। अभी हमारा फ्लैग तैयार हो चुका है, अब हमको इसको बारी बारी लगाना है, अल्टरनेट लगाना है। यदि हम सबसे पहले फ्लैग को मॉडल में लेफ्ट की ओर लगाते हैं, ठीक है, जैसे माउथ को हमने किधर लगाया, नीचे थर्माकोल था तो ऊपर में हम गाड़ देंगे तो थर्माकोल में ये आसानी से गड़ जाएगा। हमने किधर लगाया इसको, पहले वाले को लेफ्ट की ओर, दूसरे वाले को राइट की ओर, तीसरा फिर लेफ्ट, चौथा फिर राइट, इस प्रकार से हम अल्टरनेट लगाएंगे तो ये क्या होगा कि बीच में गैप बनेगी और आसानी से सभी फ्लैग दिखाई देंगे कि किस फ्लैग में क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूर से सभी फ्लैग में लिखा हुआ नाम नज़र आएगा तो इससे आपका मॉडल और भी बेहतर दिखाई देगा और भी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है।
आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये मॉडल तैयार हो चुका है। ये बोर्ड पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट हमने ऐसे बनाया। इसको बनाने के लिए लगभग हमको 45 से 50 मिनट का समय लगा। इसको बनाने के लिए जो हमने थर्माकोल कटर का इस्तेमाल किया था, कृपया अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे ये थर्माकोल कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नुकीला होता है, बहुत ही धारदार होता है, थोड़े समय स्किन कट जाती है, हाथ कट जाती है। तो आप लोग जो घर में जो किचन में इस्तेमाल होता है चाकू, उस चाकू का इस्तेमाल करके इस थर्माकोल को काट सकते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़े मैच्योर हैं, आप सावधानी बरत सकते हैं, तो थर्माकोल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डायग्राम देख सकते हैं आप, जो जो वहाँ पर बोर्ड पे दिखाया गया है एग्जैक्ट वही डायग्राम आपको ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये देखिए हमने फ्लैग लेबलिंग भी कर दिया, हमने झंडा को भी लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, थैंक यू।